महाराष्ट्र सरकार ने नवीबई के गौठानों में बनाए गए गर्जे पोटी घरों को रेगुलर करने का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज अधिसूचना जारी कर दी है। आज नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नवीबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नए जीआर के अनुसार मूल गौठानों के 250 वर्ग मीटर परिक्षेत्र में बने मकानों को जहाँ हैं और जैसे हैं नियमित किया जाएगा। नवीबई के प्रकल्पग्रस्तों ने इस पर खुशी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। 35 वर्षों से नियमन का रास्ता देख रहे नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों को महाविकास आघाड़ी सरकार ने बड़ी दिलासा दी है। जी हां, नवी मुंबई मनपा चुनाव से पहले ही सरकार ने गौठानों को गरजपोटी मकानों को रेगुलर कराने का जीआर जारी कर दिया है। आज नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि नए जीआर के बाद गौठानों के 225 वर्ग मीटर परिक्षेत्र में बने सभी गर्जपोटी मकानों को जहां और जैसा है नियमित किया जाएगा। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि यह नियमन आदेश 25 जनवरी 2022 से पहले बनाए गए सभी गर्जपोटी मकानों पर लागू होगा। मंत्री ने यहां 160 प्रकल्पग्रस्तों को सांसद प्रमाण पत्र भी वितरित किया। गर्जपोटी बांधलेल्या घरांचा जो निर्णय आहे तो शासनाने घेतलेला आहे, त्याचा शासन निर्णय या ठिकाणी निघालेला आहे आणि ही बांधकाम जी आहे ही अडीच गावठाणात म्हणजे गावठाणातली लोक ज्या इमारती आहेत बांधकाम आहेत ते तर रेगुलाइज होतील, परंतु गावठाण सीमेपासून 250 मीटर पर्यंत गरजेपोटी बांधकाम केलेले जे वास्तविक निवासी बांधकाम आहेत त्यांना आपण नियमित करतो आहे। हा ऐतिहासिक मोठा निर्णय आहे आणि 38 वर्ष ज्याची प्रलंबित हा विषय होता तो आता मार्गी यामधून लागतोय। त्याच्यात जे आपण रेट जे आहे त्यामध्ये देखील 0 ते 200 स्क्वेअर मीटर पर्यंतच्या ज्या आरपीचे दर आहे त्या आरपीच्या दराच्या पण 30% फक्त त्या काळातल्या 33% आणि 201 ते 500 स्क्वेअर मीटर पर्यंतचे 60% जे आपलं मोठी घर आहे ती 500 स्क्वेअर मीटर 500 स्क्वेअर फीट नाही। त्यामुळे ह्या जो काही निर्णय झालेला आहे याच्यामुळे मला वाटतं हजारो लोकांना याचा फायदा होईल आणि आज आपण क्लस्टरचा विषय मगाशी मी काढला त्याच्यामध्ये गावठाणातले जे बांधकामं आहेत भूमिपुत्र आहेत त्यांना ऐच्छिक ठेवलेले आपण, त्यांना स्वतःचा विकास करायचा ते स्वतः बांधतील, त्याच्यामध्ये कुठलंही काही बंधन नाही। पण त्यांना वाटलं बाबा इथे आम्हाला क्लस्टरमध्ये जायचं आहे ते पण त्यांना आपण मुभा ठेवलेली आहे। पूर्वीची जी डेट होती 31/12/15 ती आपण डेट कट ऑफ डेट काढून टाकलेली आहे। आता जो शासन निर्णय आपला निघाला आहे तोपर्यंत जेवढी बांधकामं झालेली आहेत त्या सगळ्यांना हा निर्णय लागू। इस अवसर पर एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे, उपनेता विजय नाहटा, विजय चौगुले और एनसीपी के प्रशांत पाटिल, नामदेव भगत एवं कांग्रेस नेता अनिल कौशिक समेत कई नेता मौजूद थे। मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के जवाब में बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द ही MIDC के जमीनों पर बसे मकानों और झोपड़पट्टियों के नियमन और पूर्ण विकास के लिए भी निर्णय लेने वाले है। असल में नया GR सिर्फ सिडको जोन के लिए है, इसमें MIDC या कलेक्टर लैंड पर बसे मकानों के नियमन का समावेश नहीं है। MIDC के बारे में जो है मैंने अभी कहा है कि जो स्लम है उसके लिए भी शासन पॉलिसी बनाएगा। MIDC के घर में जो स्लम झोपड़पट्टी चाली बने हैं उसके बारे में शासन निश्चित रूप से उसके लिए भी पॉलिसी बनाएगा। एक दूसरा सवाल सर, जब नाहटा साहब ने एक नवीबई के लिए स्वतंत्र सारे के लिए पहले पहल किया था, उसका सारा प्रारूप भी तैयार हुआ था, आपने खुद भी कहा कि नवीबई की झोपड़पट्टियों का विकास किया जाएगा, तो क्या नवीबई के लिए स्वतंत्र सारे का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ की जो झोपड़पट्टियां हैं जो प्राधिकरणों की जमीन पर बसी हुई है उसका नियमन किया जा सके? SRA का निर्णय MMR के लिए ले चुके हैं हम लोग। MMR क्षेत्र में जितने भी स्लम है उसके लिए शासन ने निर्णय लिया है और हर सिटी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।